हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपने अपनी तैयारी कर रहे हैं 2024 मार्च 18 से बोर्ड एग्जाम्स लिखने के लिए 10th क्लास स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके पास प्रैक्टिस पेपर 1 और प्रैक्टिस पेपर 2 ये दोनों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 में कुछ लेसन्स आए थे, सिलेबस आया था इसके अंदर, और प्रैक्टिस पेपर 2 में होल सिलेबस आया था, कंप्लीटली सिलेबस आया था। तो आप प्रैक्टिस पेपर 2 को देखकर अपना अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आए हैं और बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आने के चांसेस है। एक और बात आपको क्लियर मैं कर देता हूं, जैसे प्रैक्टिस पेपर 2 आया है उसी तरह बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, हो सकता है उससे भी इजी आए, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर 2 के बहुत सारे पेपर्स बहुत इजीली थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि सर बहुत आसान पेपर आए हैं, हमने हर टॉपिक को यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि हमने जो पढ़े वही टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए थे। उसी लिहाज से, उसी अंदाजे से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इससे भी शायद इजी आ जाए एनुअल का पेपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी लास्ट चांस क्या होगा? लास्ट चांस देखिए, आपने फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक प्री फाइनल तक के लिए जितने भी एग्जाम्स होंगे, वो सारे एग्जाम्स आप अपने स्कूल में, अपने एटमोस्फियर में, अपने टीचर्स के सामने, अपने क्लासेस में लिखे होंगे, जहां पर आपने रोजाना आते हैं जाते हैं, रोजाना देखते हैं। लेकिन अभी एक एग्जाम आप अपने स्कूल में लिख पाएंगे, वो है प्री फाइनल। एक ही एग्जाम आपको स्कूल में मिलेगा, अब बाकी के रिमेनिंग एग्जाम्स आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आखिरी मौका है अपने स्कूल में लिखने का, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो एग्जाम भी बेहतरीन से बेहतर लिखे और पूरी पूरा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कोई गलती करने की कोशिश करेंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगे, तो शायद उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास कुछ समय नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट सीधे बोर्ड एग्जाम्स आपको जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो गलतियाँ आपने प्री फाइनल प्रैक्टिस पेपर 1 में की है, चलिए ठीक है, उसको रेक्टिफाई करके प्री फाइनल प्रैक्टिस पेपर 2 में करें, इसको रेक्टिफाई करके प्री फाइनल में कर लीजिए। जितने भी गलतियां हैं वो पूरे 100% यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास सीधे बोर्ड एग्जाम ही है, उसके बाद कोई एग्जाम आपके पास नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में आपको अलग एटमोस्फियर होगा, अलग टीचर्स होंगे, वहां पर सारा अलग माहौल के अंदर आपको अपना एग्जाम लिखना है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स भी रहते थे अपने स्कूल में, और अगर कभी डाउट आया तो अपने टीचर से पूछ सकते थे। वहां पर ना ही डाउट आपको पूछने दिया जाएगा, ना ही वहां पर आपको किसी से बात करने के लिए परमिशन दी जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं चाहता हूं कंप्लीटली जितना आप पढ़े हैं उसको कॉन्फिडेंस ले रखकर आप अपना एग्जाम लिखना चाहिए, और ये प्रूफ कीजिए कि प्री फाइनल एग्जाम्स ही आपके फाइनल एग्जाम्स है, प्री फाइनल एग्जाम्स ही आपके प्री बोर्ड है। यह सोच के चलिए कि प्री बोर्ड नहीं बल्कि हमारे एनुअल एग्जाम्स है, ये प्री फाइनल एग्जाम। इन एग्जाम्स से में हम अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है एनुअल एग्जाम में हमसे उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये एग्जाम आपका जीपीए और सब्जेक्ट्स और इजीएस्ट या टफेस्ट कौन से भी है, यहां पर आपको डिसाइड हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट शायद अभी भी यही सोच रहे हैं कि हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, बिल्कुल आप तब समय नहीं रहा उतना कि आपको पढ़ने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी मौका है, अच्छा पढ़ लीजिए। मैं भी मेरे चैनल पे रेगुलरली आपको मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा, अभी आपको जितने भी टॉपिक्स कवर करना था कवर कर दिया हूँ, अभी मैं आपको मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा ऑल सब्जेक्ट के। वो मॉडल पेपर में से भी अगर कुछ आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो वो टॉपिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, और आखिरी मौका है। देखिए, आपका फ्यूचर आप पर निर्भर करता है,
आप पर डिपेंड है, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही अपने फ्यूचर के करीब जाओगे, और जितना मेहनत आप करोगे उतना ही आप अपने एग्जाम्स का जीपीए बढ़ा सकोगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को मोटिवेशनल समझकर या कुछ एडवाइस समझकर इस पे प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सोचना या समझना या टॉपिक्स ढूंढने में रहना, बिल्कुल ये आपको नहीं करना है, बल्कि वाकई प्रैक्टिकली आपको करके बताना है। दो पेपर्स ऑलरेडी हो गए हैं, प्री फाइनल भी देखे देखे तक आप खत्म हो जाएगा वो भी, उसके बाद डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो वहां पर आप, यहाँ पर अगर अच्छा कर सकोगे वहां पर आप लिख सकोगे। ऑल